रागा जी नमस्कार। अरे शर्मा जी आप आ गए। अच्छा अच्छा चलो बैठो। चाय बना ले दो कप। ना चाय वाय रहन दो। राघव जी पूजा पाठ कर लिया आपने? हाँ जी शर्मा जी। एक बार एक डॉक्टर को दिखा दो। आपने औरों को बहुत दिखा लिया। एक डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हैं। वो बच्चों का इलाज करते हैं और आपने बहुत जगह दिखा लिया। अब हमारे साथ चलो। ठीक कह रहे हैं शर्मा जी, एक बार उस डॉक्टर को दिखा के देख लेंगे। चलो तो फिर चलो। चलो गाड़ी निकालो। ठीक है तो शर्मा जी चल रहे। हाँ जी बिल्कुल चलो। बस बस राघव जी रोक लो, ये डॉक्टर की दुकान। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी। राम राम जी। आइए जी बताइए क्या परेशानी है। डॉक्टर साहब मैं बताता हूँ क्या परेशानी है। हमने बहुत इलाज करवाया और हमें कोई फायदा ना हुआ। ये शर्मा जी ने बताया कि हमारी पड़ोसी डॉक्टर साहब हैं, वहाँ आप चलो। अच्छा आप देखो क्या समस्या है इस रिपोर्ट में। शादी को कितना टाइम हुआ है आपकी? 5 साल हो गए। अच्छा 5 साल हो गए। हाँ देखिए रिपोर्ट से तो लगता है कि असंभव है, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है। एक टेस्ट और अभी कर देते हैं। बेटा मोहित टेस्ट करो इनका। अभी सुबह भोजन किस समय किया आपने? अभी तो ना किया भोजन। अभी नहीं किया। अभी नहीं किया आपने? हाँ, अभी 133। रिपोर्ट तो अभी काफी हद तक नेगेटिव है इनकी काफी चीजों में, बट फिर भी कुछ मेडिसिन देके देख लेते। ईश्वर ने चाहा तो काफी ठीक हो सकते हैं, परंतु 99% पॉसिबिलिटी तो है नहीं इनकी। ठीक है सर। डॉक्टर साहब ये हमारे पड़ोसी हैं, बड़े दुखी हैं। इनका देखकर ढंग से इलाज करो ये बेचारे, और मैं इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ। शर्मा जी देखिए वैसे तो रिपोर्ट में क्लियर हो नहीं पा रही है चीजें, देखिए बहुत सी असंभव लगता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। आप निश्चित रहिए मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब पैसे चाहे कितने लग जाओ पर मेरे को फायदा होना चाहिए। मैं बहुत परेशान हो ली, बहुत जगह धक्के खा लिए, कहीं से भी मेरे को आराम न मिल रहा। पैसे जा कितने भी लग जाओ, हम भी अपने घर में एक बच्चा देखना चाहते हैं नन्ना सा खेलते हुए। ठीक है डॉक्टर साहब अब हम चलते हैं। अच्छा जी आप ये दवा लेके जाइए और ये सिरप ले लीजिए, आपको गर्म पानी साथ लेना है। अच्छा इसी में देखिए आराम हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब नमस्कार। राघव जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार बैठो। और कैसे हो? बस ठीक है राजवीर जी जैसे भी है ठीक है। बच्चे की वजह से बड़े परेशान हैं, आपकी भाभी के बच्चे नहीं होते, हमने बतेरा इलाज करा दिया। राघव जी हमें तो पता है तुमने बहुत इलाज कराया, लेकिन एक बात हमारी मान के खाटू शाम चले जाओ तुम, बाबा तुम्हारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करेंगे। राजवीर जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं बाबा पर जरूर जाऊंगा, मेरी भी तमन्ना भगवान पूरी करेगा। भाई साहब भाभी जी कहाँ गई हैं? वो भी कपड़ा धो रहे हैं आ रहे हैं। अच्छा अच्छा आ ले। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी नमस्ते। राजवती दो कप चाय बना ले। हाँ जी जरूर बना रही हूँ। राघव जी चाय वाय रहने दो, चाय वाय तो हम फिर कभी पी लेंगे, लेकिन पहला आप बाबा के दर्शन जरूर कर कहो, वो मनोकामना बहुत जल्द पूरी करेंगे आपकी। भाभी जी हमारे पड़ोस में एक रामवती रहती है, उसके एक बेटा भी हुआ है, वो भी हर महीने खाटू श्याम जाती थी। हाँ राघव जी नेहा सही कह रही है, खाटू श्याम की बड़ी कृपा है। अच्छा जी राघव जी हम चलते हैं। राम राम। नमस्कार जी।
तुम के हिसाब किताब से लेके बैठ गए? उनकी बात पे ध्यान दिया वे क्या कह रहे? ध्यान दिया है बिल्कुल, खाटू श्याम चलना है। तुम कपड़े बदल लो, आज चले चलेंगे शाम तक। मैं तो तैयार बैठी हूँ। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाऊँ। राजपति खान अमन का तो लिया भाई। बैठ, तू भी खा। मुझे ना भूख, तुम खा लो, मेरी तबीयत ठीक ना। राजपति खाना तो खाना पड़ेगा, ज्यादा चिंता करने से तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अरे हम दोनों के सिवा घर में है कौन? हमें तुम्हें एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा और भगवान हमारी जरूर सुनेगा, तू चिंता मत मान। मेरी बात मान जाओ, खाटू श्याम चलो। अरे का तो टुकड़ा खाई ले राजवती, ऐसे कैसे काम चले? खा चल, खाटू श्याम चलेंगे, जरूर चलेंगे। मुझको ये विश्वास है, हारने ना देगा मुझको ये विश्वास है। हारे का सहारा जब मेरे साथ है, हारने ना देगा मुझको ये विश्वास है। जग ने ठुकराया तब तूने गले लगाया, झूठे जग ने ठुकराया तब तूने गले लगाया। राम राम भाई साहब। राम राम। आओ शर्मा जी बैठो। और सब ठीक है शर्मा जी? कैसे टेंशन में बैठे हो? टेंशन तो है ही शर्मा जी, बहुत इलाज करा लिया, कोई फायदा ना हुआ। तुम्हारे डॉक्टर से भी करा के देख लिया, फोन आया था अभी कि मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। निराश होने की बात ना, चलो अनाथ आश्रम से बच्चा दिलवाएं। राजवती बैठ। शर्मा जी क्या कह रहे हैं? राजवती, शर्मा जी कह रहे हैं एक अनाथ आश्रम से बच्चा ले लो। कह तो ठीक रहे हैं, ये मिल जाएगा हमें? हाँ, मेरी वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है, मैं वहाँ से बच्चा दिलवा दूंगा जो तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगा। अनाथ बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे, तुम्हें एक बच्चा मिल जाएगा जो इस घर का वारिस रहेगा। ठीक कह रहे हैं शर्मा जी, ऐसे कर लें राजवती, दिलवा दो एक बच्चा। हम बहुत परेशान हैं, हमारा घर बहुत सुना सुना लगे बिगर बच्चे के। शर्मा जी वैसे बच्चा मिल तो जाएगा? हाँ मिल जाएगा। चलो तो भाई चलते हैं राजवती। हाँ जी चलो। राम राम शर्मा जी, आ जाओ बैठ जाओ, कुर्सी ले लो, आराम से बैठो। कैसे आना हुआ शर्मा जी? हमारे एक पड़ोसी हैं, इन्हें एक बच्चे की जरूरत है, इनका बहुत इलाज करवा लिया, बच्चा नहीं हुआ, इन्हें एक बच्चा दे दो। मिल जाएगा जी। कितनी उम्र का बच्चा चाहिए जी आपको?
हमें तो जी 5 साल का बच्चा चाहिए। 5 को तो नहीं है, 6 साल का बच्चा है हमारे पास में, विनोद नाम है। अच्छा 6 का ले लो, 6 मेरे 5 में तो कोई फर्क ना है। ठीक है जी, ठीक है, दिखा दो बच्चे को एक बार कैसा। आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए मुझे। लो जी। आप विनोद को बुला लाइए। लो जी। अभी आ रहा जी बच्चा। अच्छा अच्छा, ये जो विनोद लड़का है ये हमारे सारे बच्चों में सबसे संस्कारी बच्चा है। आ जाओ विनोद, देखो बच्चा तो ठीक है जी। हाँ बच्चा ठीक है जी, ठीक है शर्मा जी। अब शर्मा जी आपको लेके आए हैं, अब शर्मा जी की वजह से हम अपना सबसे बेस्ट जो लड़का है वो आपको दे रहे हैं। देखो हम आपकी जिम्मेदारी पे दे रहे हैं जी बच्चा, हम हर महीना आए करेंगे बच्चे को चेक करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, बच्चे की पूरी जिम्मेदारी रहेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ये बात तो शर्मा जी बता देंगे। क्यों राजवती? हाँ राघव जी सही कह रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है बच्चे की। शर्मा जी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ जी बिल्कुल। रोहित जी आप इनके सिग्नेचर ले लीजिए। ले राजवती साइन कर। लो जी ठीक है जी, चलते हैं। चले शर्मा जी। हाँ जी राघव जी, ठीक है जी, आप जा सकते हो। ठीक है जी, नमस्कार। ले बेटा पहन, आज तो स्कूल जाएगा। तो मैडम तो ठीक पढ़ावे तुझे? हाँ माँ। कोई बच्चा तो परेशान ना करता? ना। ठीक है, तेरा लंच तैयार है, जल्दी से अब तू कपड़े पहन, फिर तेरे पिताजी छोड़ आएंगे तो। ठीक है? ठीक है माँ। मन लगा के पढ़ करे बेटा, ठीक है ना? तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे बहुत प्यार करे। मेरा बच्चा। माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं तुम दोनों की बहुत सेवा करूंगा। अरे मेरे बच्चा, तुझे मेरी उम्र लग जा, मेरे लड्डू। ले बेटा पैर पैंट को। अरे माँ बेटा क्या खिचड़ी पक रही है भाई। हो गया तैयार, चलो छोड़ के आओ स्कूल। हाँ बिल्कुल, हम अपने राजा बाबू को स्कूल छोड़ के आएंगे। हो गए बेटा रेडी? हाँ पापा। चलो लो बैग हम लेते हैं तुम्हारा। राजवती जल्दी कर। पहनो सैंडल। सैंडल पहन ले। मम्मी को बाय बोलो। बाय बोलो। बाय बाय मेरे बच्चा। Thank you.
ले भाई ले तेरे राजा बाबू। आगा मेरा बच्चा। हाँ माँ। आज क्या पढ़ा तेरी मैडम ने? मैडम ने 1 2 3 पढ़ा है और ABCD। भाई वाह, तू मेरा राजा बेटा, तू बहुत अच्छा अच्छा पढ़ रहा। राजा बाबू हमारा बहुत होशियार है पढ़ने में, मास्टर भी इसकी तारीफ कर रहे थे। अब बता तू क्या खाएगा? मैं खाऊंगा केला। केला 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 खिलवाऊंगा। ला उठा के ले केला। हाँ बिल्कुल अभी ले। केला खवाऊंगी अपने राजा बेटा को। ला ड्रेस उतार दो। कहाँ रखे भाई केला? हो ये रे। आजा बैठ जा। ले राजपति केले खिला हमारे राजा बाबू को, और हम भी खाएंगे केला भाई, और राजपति तू भी खा। माँ मैं सुबह खाऊंगा, बाकी बचे तू खा ले। खा ले जो मैंने लंच दिया उस सारा। मैंने लंच खा लिया। हाँ खा लिया। ठीक है। वैसे राजवती एक बात बताएं, ये हमारी बुढ़ापे में बहुत सेवा करेगा, हमारा बहुत अच्छा राजा बेटा है। क्यों ना करेगा सेवा हमारा बेटा ना। हाँ माँ मैं तुम दोनों की खूब सेवा करूँगा। अच्छा कैसे कहवे, अब सेवा करेगा तू खूब। देख दुंजन ये बैठा इसे परेशान तो है। तू ठीक कह रहा है दुष्यंत, चल चल। अरे तू बहुत पढ़ता है, चल आज खेलेंगे। चल आज खेलेंगे। चल धूम। अब तुम लोग जाओ, अब मुझे पढ़ने दो। अरे हाँ हाँ पढ़ लियो। अरे मुझे नहीं खेलना, मुझे पढ़ना है। अरे चल जल्दी से। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू बाबा, मुझे पढ़ने दो। हाँ हाँ चल तू पढ़ ले। जा माँ मुझे नींद आ रही, मुझे लोरी सुना दे। अच्छा लोरी सुना दूँ तेरे को? सो जा आंख बंद करके। अरे बेटा राजा, अरे उठ जा बेटा राजा, बेटा दिन निकल आया दे। अरे पापा जी तुमने सुबह ही उठा दिया, थोड़ी देर और सोने देते। बेटा दिन निकल आया, तैने कहा था शाम पापा जी मुझे जल्दी उठाना। हाँ पापा जी कही तो मैंने। तो तेरी माँ चाय ले आई। जाका मेरा राजा बेटा। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। अरे माँ कैसी चाय लाई आज? कॉफी बनाई है, पी ले। पी के बता कैसी लगी? अरे हाँ माँ देखने में तो अच्छी लग रही है, देखता हूँ पी के। माँ बहुत अच्छी लगी बना के कॉफी तो। बेटा ये कॉफी न्यू बनाई है, तेरी माँ का बीपी लो है और या तो एनर्जी भी बढ़े तो को तो बहुत फायदा करेगी। सही कह रहे हो पापा जी, कॉफी तो माँ ने बहुत बढ़िया बनाई है। पापा जी मैं किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। हाँ बेटा जा, कोई बात ना। चल दे बेटा तू नहा ले, मैं तेरे लिए लंच लगाऊं। हाँ माँ तू लंच पैक कर दो। ठीक है तुम लंच लाओ, मैं नहा के आता हूँ। राजवती अब हमारा बेटा 20 साल का हो चुका है, अब बता
इसके लिए देखभाल करें शादी वादी की। ये भी कोई बूझने की बात है, इसकी नौकरी सी लग जान दो, कोई ठीक सी लड़की देख के फेरे फेर देंगे। ठीक कह रही है तू राजवती, मैं कहीं देखूं। अब मुझे बातों में मत लगाओ, अब मुझे उसका लंच पैक करना। ठीक है। माँ, ओ माँ। हाँ बेटा। लंच पैक हो गया? ले यू पकड़ लंच। ठीक है मैं जा रहा हूँ। देख भाल के जाइए बेटा। ठीक है पापा। ठीक है, बाय बाय बेटा। अरे राजवती रोटी बन गई है तो हमें भी लिया, भूख लग रही है। हाँ बन गई, ला रही हूँ। लो तू बैठ खा ले। ले राजवती रोटी खा। अरे भाई अब तुम्हारा बेटा जवान हो गया, अब कई बात की चिंता है बता। बस तो भगवान अब इसके फेरे पड़वा दे और इसकी अच्छी से कोई नौकरी लगवा दे, मेरी टेंशन खत्म। सही कह रहे खाटू श्याम, कृपा कर रहे हैं जरूर, हमारी मन्नत पूरी कर दी। सर देखना ये ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा चलो अभी मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है सर, बैठो तुम। यार पता ना क्यों सिर में दर्द हो रहा है। मैं दबाऊं सर? राजा जी हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, करोड़ों कमाएंगे हम। अच्छा हाँ, क्यों राघव जी? ऑफ कोर्स अंजलि बिल्कुल सही कह रही है राजा, हमारे हिसाब से चलो करोड़ों रुपए कमाओगे। तुम देख रहे हो ना ये सारे फेमस चेहरे किसने बनाए? हमने बनाया। ये फूफा जी, इसको किसने बनाया? ये फूफा बने कैसे? सागर जी के जरिए। समझाओ अंजलि। अच्छा जी बिल्कुल। अरे अंजलि, अरे तुम कह रही हो तो कोई बात ना, मैं 10 लाख क्या 20 लाख भी लगा दूंगा। ठीक है ना सागर जी? जी बिल्कुल। चलो तुम तैयारी करो। और राजा एक बात। हाँ? पैसा तुम्हें 10 लाख कल सुबह ही देना पड़ेगा। अगर तुम्हें इन सब लोगों के जैसा बनना है, ये सब हिट है, एक दिन तुम भी हिट होगे, करोड़ों कमाओगे करोड़ों। अंजलि समझाओ। क्यों राजा, तुम कल सुबह तक पैसे नहीं कर सकते? अंजलि ये तो सब ठीक है, फिल्म बनाएंगे, कुछ कमाई भी हो जाएगी उसमें। नहीं करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों। करोड़ों कमाएंगे और क्या? तो मैं कल इंतजाम कर लूंगा। हाँ। पैसों का, लेकिन हीरो मैं ही रहूंगा और हीरोइन मैं। ठीक है, धमाल उठा देंगे। अरे बिल्कुल राजा जी, आप ही हीरो रहेंगे और आप हीरो की तरह दिखते भी है। अरे सलमान खान उनको किसी ने बनाया? सागर जी ने। बिल्कुल। आमिर खान याद नहीं आपको, उसको किसी ने बनाया? हमने। अच्छा सागर जी, सलमान खान को आपने बनाया? बिल्कुल। आमिर खान को भी? अरे बिल्कुल, आप भी बन जाएंगे। तो मैं भी हीरो बन जाऊंगा। चलो पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा, पर यार मेरे सर में दर्द बहुत हो रहा, इसका इलाज बता। इसका इलाज इनके पास है? हम किस मर्जी की दवा है, हम ऐसी दवा देंगे। ये लो अंजलि, इस दवा से लोग दुनिया भूल जाते हैं। आपको तो दर्द है, चढ़ाइए गुड। मैं बियर नहीं पीता। अरे पी के तो देखो। नहीं नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं पीता। वैसे राजा जी ये आपकी बहुत गलत बात है, आज इतना खास दिन है और आप भूल गए। कौन सा दिन है? अरे अंजलि का आज बर्थडे और आपको पता नहीं है? लो अब पियो। नहीं नहीं रहने दो, मैं बियर नहीं पीता। राजा जी ये तो गलत बात है, आप मेरे बर्थडे पे नहीं पियोगे। ठीक है तो लाओ पियो और पियो और पियो। क्यों राजा जी,
दर्द कम हुआ? सागर जी, इसने तो बिल्कुल ही दर्द खत्म कर दिया। अरे दर्द क्या, यहाँ तो अंजलि के बर्थडे की पार्टी में पूरी पेटी मांगा रखी है। अंजलि पिलाओ जला राजा जी को। हाँ जी अभी पिलाती हूँ। राजा जी पियो ना। लो सर चाय। रूपा तुम्हें पता नहीं आज अंजलि का बर्थडे है, आज हम चाय पियेंगे कोई? ये पियेंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, जा। अंजलि चुप। अरे रूपा तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है, कब किस मौके पे क्या लाना है, चाय लेकर चली आई हो तुम? यहाँ हमारी अंजलि के बर्थडे की पार्टी चल रही है और तुम चाय पिला रही हो, हद। जाओ चाय हम कल पियेंगे, आज हम सेलिब्रेट करेंगे, क्यों अंजलि? ठीक है सर, गलती हो गई, सारी चाय मैं ही पी लूंगा। हाँ जा तू ही पी ले। ओहो मैं कह रही राजा ना आया अभी तक भी। आ जाएगा, हमारा बेटा समझदार है, मैं किसी काम से फंस गया होगा। ले आ लिया। ले रही वा। अरे सर क्या हो गया है? पी रखी होता के। अरे पूछ ले कैसे। रूपा आई मैम। जी मैम। चल इधर बैठ। देख रूपा, देख तू मेरी बातों का बुरा मत माना कर, कस्टमर के सामने ये सब करना पड़ता है, तू तो अपनी खास है। कोई बात नहीं दीदी, मैं बुरा नहीं मानती, रूपा कभी बुरा नहीं मानती है। चलते इसी बात पे, ये पी। बहुत कड़वी लग रही दीदी ये तो। अरे आज ही लगेगी, एक दो बार पी जा। क्या था दीदी इसमें? तुझे इतना ही नहीं पता, बियर थी, पीले पीले। रूपा तेरा तो कोई जवाब ही नहीं है। क्या बोला? रूपा का कोई जवाब नहीं है, रूपा तो तुम जैसों को खरीद देगी। अरे डायरेक्टर साहब आ जाओ, तुम्हारी ही कमी है, बैठो यार। आ गए भाई। भाई पार्टी वार्टी किस खुशी में चल रही है? अरे मुर्गा फंसो है डायरेक्टर साहब, वो भी 10 लाख को फंसाओ। किसने? अंजलि ने। अंजलि ने? तो अब हीरोइन भी अंजलि ही बनेगी हमारी फिल्म की, और 10 तारीख से शूटिंग चालू। हाँ राइट सर राइट, हीरोइन तो मैं ही रहूंगी। लो इस खुशी में पार्टी करो। इससे क्या हो रहा है, अब आज तो खुल के पार्टी चलेगी। और मंगाते हैं एक पेटी, पकड़ो इसे। अरे बेटा क्या बात हुई, हमें बात तो बता। बाबा मेरा दिमाग खराब है, तुम मुझसे मत बोलो। बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर को बुलाऊं? तुम मुझसे मत बोलो, सिर दर्द है। सिर दर्द हो रहा था, सिर दबाऊं तेरा? माँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। राजवतिया ने पी रखी है, पता ना किस कम बखत ने प्या दी इसे। नजर लगी दिखे हमारे राजा को। चलो सवेरी बात करेंगे इससे। चल ठीक है। मैं कह रही छोरे के लिए कोई लौंडिया ढूंढी है या ना? हाँ ढूंढ ली है, मेरी बात चल रही है प्रधान जी से, तू चिंता मत कर। तो करो उसका भी। हाँ हाँ करेंगे, धूमधाम से करेंगे, सारे अरमान पूरे कर लिए तू। अपने राजा का ब्याह ठहरते करेंगे, ठहरते। ठीक है ठीक है। माँ राम राम, पापा राम राम। राम राम भाई राम राम। अरे राजा बेटा ये कौन है? पापा मैंने शादी कर ली अंजलि से। शादी? राजवती हमसे न पूछ सके हो, हमारे अरमान अधूरे रह गए। बेटा एक बार हमसे पूछ तो लेता। माँ मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, अंजलि और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये मुझसे प्यार करती है, इसके बेचारी के माँ बाप नहीं है, मैंने इसलिए इससे शादी कर ली और मैं तुम्हें बता नहीं पाया।
बेटा एक बार फिर भी हमते पूछते ले तो हम तेरे माँ बाप है। कोई बात ना, अब कर लाया तो अब तुम रखो, ले जा बहुए भीतर को। आ जा बिटिया, तू भी जा। देखो राजा जी, तुम्हारे बाप की आदत मुझे अच्छी ना लगी। आगे से मुझे ऐसा एटीट्यूड दिखाएगा ना तो मैं चली जाऊंगी अपने पीहर। अरे मेरे गुलाबो, नाराज मत हो, मेरे माँ बाप दिल के बहुत अच्छे हैं, वैसे गलत नहीं है, तुझसे जहाँ तक निभे निभा, बाकी देखी जाएगी। मुझे पसंद ना आई ये सब, ठीक है ना? अरे मैं उन्हें समझा दूंगा। समझा दियो। तू तो नाराज होगी, रात बहुत हो रही है, लेट जा चल, मेरा भी मूड खराब कर रही है और अपना भी। मेरा तो सर फटा जा रहा है। अरे तू क्यों फट रही है, लेट जा आराम से। नाक मुंह चुड़ा रहा था वो बुड्ढा। अरे नाराज मत हो, लेट जा, मैं समझा दूंगा। अरे मुझसे बात तो कर, हट जाओ परे को। अरे तू तो करंट सा मार रही है, बिजली हो रही है, छूने की जरूरत ना है। हरे राम हरे राम हरे राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय खाटू श्याम खाटू श्याम खाटू श्याम, खाटू श्याम खाटू श्याम खाटू श्याम। अरे हाय, क्या बजा रखा है। राजा, ओ राजा, कुंभकर्ण जी, ओ राजा, तो सोया पड़ा है, ये कौन बजा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है, वैसे सर में मुझे दर्द दे रखा है, कौन बजा रहा है ये? ये तो क्या ड्रामा है? अरे बस करो, क्या कर रहे हो, मेरी नींद खराब कर दी तुमने, कुछ काम हिला नहीं है तुम दोनों को। बेटी पूजा ही तो कर रहे हैं, क्या बात होगी, क्या हो गया, मेरी नींद खराब कर दी, एक तो सो नहीं पाए मैं पूरी रात यहाँ पर। अरे बेटा पूजा करने में तो कोई बुराई है ना? तो बाद में करियो जब मैं उठ जाऊँ, मेरी नींद खराब होगी, मेरा सर दर्द कर रहा है, ये क्या बजा रहे हो सुबह से। बेटा पूजा करने में तो कोई बुराई है ना? अरे भगवान की तो दुनिया पूजा करे है, बता राजवती, समझाया है? अभी बालक बुद्धि है इसमें, सब आ जाएगा कल। बुढ़िया बालक बुद्धि बता रही है मुझ में, जब ही तो आ गए मैं इससे ब्याह करके। बालक बुद्धि, बहू तू आराम कर ले, हम पूजा फिर कर लेंगे। आराम मेरा अब हराम हो चुका है, चलो उठो, चाय बना के लाओ मेरे लिए, वैसे भी नींद खराब कर दी है मेरी। बना ले भैया, घर में रहना हो तो बहू है तो माननी पड़ेगी। ले बेटा चाय। राजा हाँ? लो चाय। अब यहाँ बैठी क्या देख रही हो, गरम पानी कर दो मेरे लिए। चाय तो पी ले, जाओ। अरे जाओ, अंजलि वो मेरी माँ है। देखो पहली बात, अब मैं यहाँ हूँ तो मेरी चलेगी, अगर नहीं चलेगी तो मैं जा रही हूँ। अरे रुक जा, तू तो ऐसा उछला जैसे तेल में पकौड़ी। पकौड़ी कैसे कहा, कॉल मी अंजलि। अरे मेरी गुलाब जामुन, नाराज मत हो, तू जैसा कहेगी वैसा होगा, ऐसे ही होना चाहिए। तू कहे तो मैं भी बर्तन धो दूं। ना ना ना, कर लेंगे वो काम, है अभी। लो कपड़े, कपड़ों पे परहेज करके लाओ। तू क्या बैठी बैठी बातें मिला रहे, झाड़ू मार दे, आसिस घर की मालकिन मैं हूँ मैं, आई बात समझ में, झाड़ू मारो यहाँ पर, कितना गंदा हो रहा है, कोई आ गया तो क्या बोलेगा, घर में नई बहू आई और इतना गंदा, चलो झाड़ू मारो, बैठी बैठी देख रही है, खड़ी हो सुनाई नहीं आई, झाड़ू मारो, अरे पकड़ो और झाड़ू मारो, चलो। राजवती लगाए ले झाड़ू, अब तो बहू जैसे कहेगी, अब हमें ऐसे ही मानना पड़ेगा, बुढ़ापे में हमें यही दिन देखने को रहेगा। भगवान मेरे भगवान, हम तो बगैर औलाद के ही ठीक है। Oh
जाओ यार, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। अरे मारियो उस बंदे को तेरे पीछे, मार मार। शिट, तेरी वजह से मैं मर गई। चल मुझे नहीं खेलना, ज्वाइन होने नहीं देते, पहले ही मार देते हैं। अरे मैं तो मर गई, तू तो मार यार। अरे जल्दी मारो झाड़ू, अभी बर्तन भी पड़े हैं। ऐसे काम करोगे तो हो गया काम। हे भगवान, पता नहीं कैसी बहु पल्ले पड़ गई मेरे तो, ऐसा तो कभी मैंने सोचा ना था। मेरे लिए कुछ खाने के लिए तैयार कर दो बुढ़िया। ले बहू। इतना टाइम लगता है कपड़ों पे इस्त्री कराने में? भीड़ लग रही बेटा वहाँ बहुत। हाँ हाँ चल चल ठीक है। ऐसा तो कभी मैंने सोचा ना था कि ये दिन भी हमें देखने पड़ेंगे। राजवती रोवे मत नहीं, वो भी रोने आ जाएगा। वो तो ऐसे लगा किसी की नजर लगी हमारे घर को, लौंडा भी हमारा हाथ से निकल गया। बहू ना ये आफत आई है, हमें ये ज्यादा दिन न जीने देगी, क्या करें बता। मेरा तो जी लगना रहा है यहाँ, चलो तुम यहाँ से। तू सही कह रही है, कहीं चलो भाई, यहाँ ना गुजारो। कर लो बुराई, अभी बताती हूँ, आज मैं इनकी चुगली कराना छुटा दूंगी। बहुत बढ़िया, मेरी चुगली कर रहे हो, वाह। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत तुम काम करोगे तो मेरी भी मदद हो जाएगी, पर तुम्हारे बस की नहीं है घर में रहना, अब मालकिन मैं हूँ। चलो निकलो, पहली फुर्सत से निकलो, मेरा मुँह क्या देख रहे हो, निकलो। अरे बहू हमसे गलती हो गई। अरे नहीं, हाथ बात मत जोड़ो, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, निकलो। बहू हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में, मुझे नहीं पता, निकलो। खड़े हो, मैं नहीं चाहती मैं तुम्हें हाथ लगाऊं, निकलो पतली गली से। अरे समझ नहीं आ रहा तुमको, निकलो, खड़े हो निकलो। चलो राजमती बुढ़ापे में खड़े हो, चलो। हे भगवान, बहुत हो गया, मेरी चुगली कर रहे थे ना, अब पता चलेगा तुम्हें चुगली करने का नतीजा। दिखाई मत दे जाना यहाँ पे दोनों। राजा को तो मैं अपने आप समझा लूंगी, वो तो मेरी चाबी का छल्ला है। राजवती। तो सागर भाई, फिल्म का क्या चल रहा है? अरे राजा जी, तुम चिंता मत करो, फिल्म के हीरो तुम और हीरोइन अंजलि, डायरेक्टर पवन जी है और मैं कास्टिंग डायरेक्टर। लोकेशन में फिक्स हो गई है, लोकेशन होगी बुंदेलखंड उदय जिला जालौन में, क्यों अंजलि? सही कह रहे हो राघव जी, राजा जी तुम तो हीरो बन गए। सागर जी, सलमान खान
हमने बनाया। अंजलि जी, आपको प्रीति जंटा बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? प्रीति जंटा। सागर जी, ये क्या बोल रहे हैं? तुम तो कह रहे थे सलमान खान तुमने बनाया, ये कह रहे ये तो इन्होंने बनाया। मेरे तो कोई किसी की समझ में नहीं आ रही। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हीरो तुम ही हो, समझो ना डार्लिंग। सागर, हीरो मैं ही बनूंगा। राजा जी, हम तो चले, आप भी चलो। सुबह आ जाऊंगा। राजा राजा खड़े हो? ड्राइवर साहब, गाड़ी रोकना। आंटी अंकल, आप कैसे बैठे हो यहाँ और क्यों रो रहे हो? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्या बात बेटी है? मत पूछ, हमें आज मन नहीं है, हमारे दिल पर बहुत बुरी बीत रही है बेटा। हमारे लौंडा की बहू ने हम घर दिले काट दिए। नहीं अंकल जी, ऐसा मत कहो, मेरे घर चलो आप दोनों। ना बेटी, हम तो बेखाई खुपोज बने, जो बेटा हमने पाड़ा पड़ोसो की बहू ने आज हम घर दिले काट दिए। हमारा कोई ना आया दुनिया में, तू हमें जान दे, हमारे हमें हाल पर छोड़ दे। नहीं पिताजी, माँ ऐसा मत कहो, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ चलो मेरे घर। राजवती देख ले, दूसरे की जाई बेटी है, अपना बाप कह रही है, माँ भी बना रही है। हे देवी धन्य है तू, जब ये धरती टिक रही है, नहीं ये धरती तहस नहस है जाती, अभी ये धरती पे भगवान भी है। नहीं पिताजी, मेरे सामने आप हाथ मत जोड़ो, मैं भी तो आपकी बेटी समान हूँ, आप मेरे माँ बाप हो आज से, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे घर आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो पिताजी, माँ चलो। क्या चल रहा है ये सब? अंजलि, तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने वो 10 लाख मांगे, मैंने वो 10 लाख दिए, और तूने मेरे माँ बाप को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। पूरा मोहल्ला बोल रहा है कि तूने ही मेरे माँ बाप को धक्का देकर बाहर निकाला है, मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा तुमने अच्छा नहीं करा मुझे चाटा मार के, तुम क्या निकालोगे, मैं ही जा रही हूँ। जा, मुझे नहीं तेरे जैसों की जरूरत। राजा तूने ये क्या कर दिया, अपने माँ बाप को घर से निकलवा दिया, अब भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। माँ तू कहाँ है? माँ माँ मुझे छोड़ के कहाँ चली गई?
राजा, अब रोने से क्या होता है? तेने लुगाई के चक्कर में आ गए, अपने माँ बापों को घर से निकाल दिया। चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझसे बड़ा गुनाहगार नहीं है। प्लीज मेरे माँ बाप को ढूंढवा दो मेरे साथ। तू बेटे के नाम पे कलंक राजा, हम तुझे अनाथ आश्रम से ठग लाए थे। तेरे मम्मी पापा खाटू श्याम से मन्नत मांगते थे, बड़े बेचारे परेशान थे। हमने तुझे इसलिए दिलवाया कि तू आज उनको घर से बाहर निकाल देगा। तू बेटे के नाम पर कलंक राजा, तूने अपने माँ बाप के साथ गलत करा, पता नहीं वो किस हालत में होंगे। चाचा जी, मेरे माँ बापों से मिलवा दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब हम माफ नहीं कर सकते, अब हम कहाँ जाएं ढूंढने उन्हें। चाचा जी मुझे माफ कर दो। चाचा जी, तूने उनके साथ बहुत गलत करा, अब तू रोता रहे। तुझे तेरी लुगाई भी छोड़ के चली गई, अब तेरी सजा ही हुई है। चाचा जी कुछ तो करो। चाचा जी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हे राजा, ये क्या कर दिया तूने? भैया बताइए क्या चाहिए आपको? दो प्लेट तंदूरी, एक क्वार्टर चाप। अच्छा अच्छा, रुको अभी लाती हूँ। बहन। हाँ जी। एक थाली लगा दो, बहुत तेज भूख लगी। अभी लाती हूँ। अरे मैडम जल्दी लिया। हाँ हाँ रुको अभी लाती हूँ। लो भैया खाओ खाना। अरे बहन जी अभी मंगाई अभी ना। रुको भैया, तुम्हारे लिए खाना बनने लग रहा है, अभी जल्दी से मंगाओ, हमारा पहले पेट में। जल्दी से बना दो खाना। है ऐसा स्वाद बहन? हाँ भैया। क्या हुआ भैया, नमक मिर्च कम है क्या? बहन ये खाना तो मेरी माँ के हाथ का है। नहीं नहीं भैया, ये खाना मेरी माँ ने बनाया है, मेरी माँ बना रही है खाना अंदर। बहन ये खाना मैंने 20 साल खाया। 20 साल? अगर हो सके जिसने ये खाना बनाया प्लीज उससे मिलवा दो एक बार। हाँ भैया, मेरी माँ खाना बना रही है अंदर, मैं आपको मिला सक। चलो बहन। माँ ये भैया तुमसे मिलना चाह रहे थे, ये कह रहे थे कि मैंने 20 साल तक खाना खाया आपके हाथ का। माँ। हैं राजा बेटा। माँ। बापू। बापू। अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं मुझे तो ये पता था तुम तीर्थ यात्रा पे गए हो, पर ये होटल पे क्या कर रहे हो? बता दे राजमती। भैया। हाँ बहन, ये मेरे माँ बाप है। मुझे तो मेरा भैया मिल गया। माँ तेरी बहू ने हमें निकाल दिया घर से। भाई हमें तो धक्का मार के लेकर दिया तेरी बहू ने। बेटा राजा हम कहाँ जाते, ये बेटी ना मिले, तेरे माँ बाप तो दुनिया में जिंदे नहीं मिलते। ना पिताजी ऐसा ना कहो। बहन तूने मेरे माँ बापा को बचा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तेरा जिंदगी भर तक एहसान नहीं भूलूंगा। ना भैया ऐसा ना कहो। बापू मुझे माफ कर दो। बापू मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। माँ मुझे माफ कर दो। माँ मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। भैया आप पेट भर के खाना खा लो, मैं तुम्हारी बहन और तुम मेरे भैया और ये मेरे माँ बाप है। चलो अब तुम घर को चलो। चल बहन तू भी हमारे घर को तो नहीं जाएंगे भैया, ये हमारी बेटी है, हमारे दिया के माँ बाप है, तू भी यही रह। बापू मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ कर दियो। माँ बेटा अब हम घर ना जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हम तेरी बहू ने धक्का मार के लिखाड़ दिए, अब हम यही रहेंगे, ये हमारी धर्म की बेटी है और हम यहाँ के माँ बाप है।
बापू, मैंने अंजलि को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है, अब उस घर में तुम रहोगे। यू के करा तूने, बहू निकाल दी घर में से। माँ, उसने तुम दोनों को निकाल दिया, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। भैया तुम भी कहीं मत जाओ, तुम भी यहीं रहो मम्मी पापा के पास ही, ठीक है बहन? और मेरे घर। ठीक है बहन, रो मत बहन। बहन, हम इस होटल में कहाँ रह पाएंगे? भैया, इस होटल के पीछे मेरा मकान है, वहाँ रहेंगे हम सब। हाँ, सही कह रही है, बहुत बड़ा मकान है। चलो तो चलो। भाजी मुझे माफ कर दो, भाभा जी मुझे माफ कर, मुझे किसी ने भड़का दिया था, मैं आपको घर से निकालना नहीं चाहती थी, इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे इस गलती का एहसास है, बाबू जी मुझे माफ कर। राजा बेटा, यह माफ कर दे, अरे सौंदर्य को भूलो, शाम को आ जाए तो बहुत बड़ी बात। राजवती माफ करिए यार। भैया माफ कर दो, भाभी है। तू रो मत, चुप हो जा। तो दोस्तों, सुबह का भूला शाम को आ जाए बहुत बड़ी बात है। हमने ये फिल्म बनाई बिखरे हुए रिश्ते, खाटू श्याम की महिमा, और ये फिल्म इसलिए बनाई है और दिखाई है जो कलाकारों ने अपना मना रोल निभाया है, और आप इसमें कमेंट करके बताना कैसी फिल्म है। तो माँ जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया, इस मॉडल इस नंदिनी ने बहुत अच्छा रोल निभाया, सुमन सेन ने, जाकिर जी ने, और हमारे अन्य कलाकार भी हैं, कपिल नागर जी भी हैं, सत्येंद्र शर्मा जी हैं, रूपा जी, और तो आप इसमें कमेंट करके बताएंगे कैसी फिल्म है। तो माँ जी, बिखरे हुए रिश्ते, खाटू श्याम की महिमा जरूर देख लो। कह बहू सास के साथ कैसा करता है, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय खाटू श्याम।